सुबह सुबह राकेश शर्मा जी का वीडियो देखा, और मैं तो आजकल उनको मतलब गुरु ही समझने लगी हूँ। और मैंने एक ड्रीम भी देखा था कि जैसे वो मेरे घर में हॉल में प्रवचन दे रहे हैं, और कुछ फ्रूट शायद उन्होंने दिए या वहाँ पे प्रसाद के रूप में बांट रहे थे, तो कीवी फ्रूट था, तो उसका मतलब भी कुछ मैंने सर्च किया तो उसका भी मतलब थोड़ा अच्छा ही निकला, अब याद नहीं क्या निकला था। आज उन्होंने वही बात बताई है जो कि मैंने, वो तो एक ज्ञानी है, मतलब वो तो ज्ञानी पुरुष है, उनकी उम्र भी ठीक है मेरे हिसाब से तो। और मैंने मतलब रेकी वगैरह ग्रैंड मास्टर थी मैं मानती हूँ, बट मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की, मैंने वो छोड़ दिया। और रेकी के बुक्स वगैरह जो थे, जो मेरे हस्बैंड के घर में थे, उन्होंने वापस नहीं दिए। उन्होंने मेरा मतलब मतदान कार्ड हो, कुछ चीज़ों की चाबियां हो, मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स हो रेकी के, वो सब उन्होंने रख लिए। एक बार तो ऐसा समय आया, देखो जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग वही पूछते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पास रेकी की सर्टिफिकेट है, मतलब आप ग्रैंड मास्टर हो, आप बता सकते हो? तो मतलब मेरे लिए पंचायत होगी, क्योंकि मैं कहाँ से दूँ सर्टिफिकेट, और बताओ तो कैसे, क्योंकि सामने वाले को तो मैंने ये भी नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। तो और मेरे जो गुरु थे वो दिल्ली के थे, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट का पेज भी मैं बोलूँ तो वो सबसे पहले 10,000 की बात करेंगे या 15,000 की बात करेंगे, वहाँ पे तो उनके तो हिसाब ही अलग है। और जाना तो ये बात हो गई थी, कहाँ की बात कहाँ आ गई। तो कहने का मतलब है, कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले शायद मैंने वो वीडियो बनाया था, व्हाट इज जोक एंड व्हाट इज रियलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो उसमें मैंने बताया था कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस लिया है कुंडलिनी जागृति का, कैसे वो ऊपर चढ़ती है। तो ये सचमुच मेरे साथ ऑटोमेटिक हुआ है, मैंने कोई भी योगा नहीं किया। मेडिटेशन भी मैंने करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जो सोल शॉक मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में मिला, उसकी वजह से मैं उस लेवल का मेडिटेशन नहीं कर पाई। मैंने थोड़ी बहुत की, लेकिन ये जो फेजेस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो अलग अलग लेवल पर होते हैं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है आपकी बॉडी में, सोल में, डीएनए में, तो बहुत ही मतलब बुरे असर होते हैं बॉडी पे, शरीर पे, मन पे, आत्मा पे, हर तरह से आपकी क्लीनिंग शुरू होती है। ग्रह दशा भी उस समय बुरी होती है, जैसे मेरी राहु की महादशा तो 18 साल की होती है, वो तो शुरू है 12 साल से, जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी राहु की महादशा शुरू है, और उसमें अभी 2 साल से मेरी केतु की अंतरदशा शुरू है। तो राहु केतु के ये कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट रहा मेरे लिए, कि राहु शक्ति मीन शिवा, जो अमरांस राकेश शर्मा जी ने भी वीडियो बनाया है उसके ऊपर, तो बराबर मेरे साथ वैसा ही हुआ। राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा में मेरी अवेकनिंग हुई, तो बराबर इस विधान को सही करती है शक्ति मीन शिवा, और उसी दरमियान मेरी कुंडलिनी भी अवेकनिंग हुई, ऊपर राइज हुई, ऊपर चढ़ी। तो जैसे कि उन्होंने आज बताया है, वही मैंने 2 दिन पहले अपने वीडियो में बताया है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप इसको जानबूझकर ना करें। लोग मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, बट इट्स डेंजर प्रोसेस, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं जो मेडिटेशंस इतने कर रही हूँ सालों से, वो तो मैं इसलिए कर रही थी कि मैं डिप्रेशन से बाहर आऊँ, जो एक सोल को जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस सोल को मैं ईश्वर से कनेक्ट कर रही थी और उसको वो ऊर्जा दे रही थी, बट बॉडी पर जो चेंजेस हो रहे थे लिटरली मतलब असहनीय थे, वो जो दर्द, वो पीड़ा होती है दिमाग में। और मैं आपको साफ बता देती हूँ कि ये जो अननोइंगली मेरे साथ हो रहा था, तो इसमें मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, जो इतने हाई लेवल पे, और ये ऑटोमेटिक हो रहा था मेडिटेशंस वगैरह, इसमें पागल होने के बहुत चांसेस होते हैं, और हुआ भी था मेरे साथ। मतलब मेरे डिप्रेशन में, बहुत गहरे डिप्रेशन में मैं गई थी बीच बीच में, तो ये, और आप कट ऑफ हो जाते हो पूरी दुनिया से, फिर आप लोगों के साथ उस तरह से कनेक्शन नहीं बिठा पाते हो, और अलग अलग बॉडी पेन होते रहते हैं, अलग अलग सिम्टम्स रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो।
और बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ एक सामान्य इंसान को बिल्कुल भी कुंडलिनी जागरण क्रिया वगैरह ये इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। कि अगर आपके जीवन में सचमुच वो चीज़ है तो वो ऑटोमेटिक होती है। और जैसे कि राकेश शर्मा जी ने आज की वीडियो में कहा है कि ट्विन फ्लेम्स, चूजन वन, एम्पैथ, हीलर्स, ये जो होते हैं उन कैटेगरी में आते हैं और इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। आज उन्होंने ये भी बात कही कि जिनके सेवन चक्र एक्टिवेट होते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं? हीलर्स, ट्विन फ्लेम्स, चूजन वंस, और इनके अंदर माँ शक्ति और शिव साक्षात होते हैं। तो इसीलिए इनको मिरेकल्स एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। और जितने मिरेकल्स एक्सपीरियंस आते हैं उससे भी ज़्यादा इविल अटैक होते हैं। मतलब पूरी दुनिया दुश्मन बन जाती है और आप समझते हो पूरी दुनिया दुश्मन हो गई है, एक्चुअल वो नहीं रहता है। इविल्स इनको कंट्रोल करते हैं इनके माइंड को और आपकी तरफ इनको दुश्मन बना के भेज दिया जाता है। तो ये होता है, तो कभी भी गलती से भी आप इस चीज़ में मत पड़ो। ये जो होता है ना, क्रिया करो या कुछ करो, वो करो, कुंडलिनी एक्टिवेशन करो, साफ साफ बताती हूँ इसमें पागल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे अगर कुछ आप सोच रहे हो कि कुंडलिनी एक्टिवेशन होने के बाद अचानक धन लाभ होगा या कुछ होगा। तो ये अगर थोड़ा बहुत होता भी है, जैसे डिवाइन फेमिनिन कही जाती है तो ऐसा एक्सपीरियंस आते हैं, बट ये अलग चीज़ है। आप सोच रहे हो फट से मैं कुंडलिनी अवेकन कर लूँगा फिर मुझे धन लाभ होने लगेगा, ये होने लगेगा, वो होने लगेगा। आप जरा सोचो जो साक्षात ईश्वर थे राम सीता, उनको वनवास जाना पड़ा, धन तो उस वक्त उनके पास था नहीं। तो ये धन वगैरह ये सब 3D की चीज़ें हैं और आपकी सोल पर्पस के हिसाब से ही आपको दिया जाता है। वैसे आप सोचो अंबानी की वाइफ तो मतलब वो तो साक्षात लक्ष्मी ही होगी अगर उसके पास इतना धन है। तो कहने का मतलब है धन होने से आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, या आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होते ही आपके पास धन आ जाएगा, ये तो माया है। मतलब माया से स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन? इसलिए ईश्वर ज़्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम्स में ही डालता है जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं। तो कम से कम इनको ज़्यादा से ज़्यादा माया से दूर रखता है। देखो तुकाराम महाराज थे, वो तो इतने साक्षात ईश्वर उनको गरुड़ में बिठा के ले गए, तो उनके पास तो कितना धन होना चाहिए था। कि विष्णु जिनको प्रसन्न है, विष्णु की वाइफ तो लक्ष्मी है, तो इनको तो कितना धन मिलना चाहिए। तो कहने की बात है कुछ ऐसे भ्रम से आप मत गुजरो कि कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगा फिर धन लाभ होगा, चारों ओर से लक्ष्मी पानी भरेगी मेरे घर में। तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन करने से आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन्होंने आज ये भी कहा कि हर किसी का हार्ट चक्र भी एक्टिवेट नहीं है। तो ये बात मैं बहुत रियलाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड हो या जो भी हो, दोस्त हो, सहेली हो, तो कभी कभी मुझे ये आजकल महसूस हो रहा है कि मैं इतना एनर्जी इनके ऊपर डाल रही हूँ, मतलब डाली है। और लिटरली मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया अपनी लाइफ से, उनको कट ऑफ कर दिया। मेरी कुछ बचपन की फ्रेंड्स थी, सब थी। तो मुझे समझ में आया कि जो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इनका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक है। तो ये वो एम्पैथ की तरह ये बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। जो ये नाच होता है वो एम्पैथ ही समझ सकते हैं, एम्पैथ को ही वो भगवान ने गिफ्ट दिया है। तो इसीलिए मैंने अब इन पर मतलब काम करना छोड़ दिया है और मैं खुद पे काम करती हूँ कि मेरी ऊर्जा से अगर कुछ अच्छा हो तो हो, बट अब किसी के लिए मतलब कितना भी मैंने उनको पैम्पर किया या कुछ भी किया उनको रियलाइजेशन कराने के लिए, बट उनको वो रियलाइज होता ही नहीं है। आज भी वो उसी मेंटालिटी में है जिनको मतलब जानवरों और इंसानों के बीच का फर्क ही नहीं समझ में आता। जैसे मेरे सौतेले भाई बहन भी है,
तो मैंने सोचा कि कभी तो इनको रियलाइज होगा, बट नहीं, इनको कभी भी रियलाइजेशन नहीं होगा। आप चीखो, चिल्लाओ, समझाओ, प्यार करो, कुछ भी करो, इनको कभी भी रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो ये जिनके हार्ट चक्र ओपन होते, आज आज ही मैंने सुना है, मुझे भी पहले इसके बारे में डिटेल पता नहीं था, कि वो चूजन वन, ट्विन फ्लेम्स, इम्पैथ, हीलर, इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखो कितना आपका जो 3D का डिवन, मुझे इस बात से बहुत शौक हो रहा है कि जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल कनेक्शन में रहता है, ये तो 3D की दुनिया में रहता है, 24 घंटे पैसे कमाना ही इसका ये है, और इसको इतना ईगो है, ये है वो है, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कहा जाता है। बट जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के सामने आते हैं, और वो टाइम आता है जब यूनियन का वगैरह टाइम आता है, क्योंकि 2 साल तक तो मेरे आसपास मेरा डीएम था, बट वो टाइम नहीं आया था। जब वो टाइम आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो गया। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, बट इंसानों के हिसाब से, और बट उसको मैंने बहुत छोटा सा समझ लिया था, बट ये होता है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी शायद मिसगाइड हो गई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मैच हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जो भी इन्फॉर्मेशंस ये दे रही है डिवाइन फेमिनाइंस, तो सचमुच ये डिवाइन फेमिनाइंस है और ये ट्विन फ्लेम्स भी है। और हो सकता है कि मतलब कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो उनकी लाइफ मज़े से चल रही है, मस्त चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हो। तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो है भाई, पर वो भी डिवाइन फेमिनाइन से, तो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती थी। बट जैसे गुरु का कान मंत्र मिल जाता है ना, तो वैसे एक बात मुझे रियलाइज हो रही है कि किसी भी चीज़ का अपोजिट चीज़ बहुत तकलीफ देती है। जैसे अगर कोई डिवाइन सोल है तो उसका दुश्मन कौन होगा? डेविल सोल। मतलब मुकाबले की टक्कर होती है हमेशा। तो एक डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ कभी भी सीधी सादी, सिंपल, फ्री फ्लोइंग, एंजॉयिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर माँ पार्वती का अंश है। तो 2 दिन पहले शायद कुछ उन्होंने वो वीडियो बनाया था राकेश शर्मा जी ने, और उसमें वो इमेज दिखाई है कि शंकर जैसे सती के लिए चिल्ला रहे हैं, उसकी बॉडी अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, वो वाली इमेज उन्होंने दिखाई है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा वीडियो का, इसलिए मैंने वो इमेज आपको बताई कि जस्ट 2 दिन पहले बनाई है। और उसमें उन्होंने बताया है कि आप जिसको दुख और तकलीफ समझ रहे हो, उससे मतलब कई हजार गुना, या मतलब अनलिमिटेड पेन, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में होते हैं। तो मेरा डीएम तो उसके पास तो सब कुछ है, बट देखा जाए तो मेरे पास भी सब कुछ है, लेकिन मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि मैं उसको रिपीट नहीं करती। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप रिपीट करते हो ना, आप फिर से उसको भोगते हो, फिर से आपको याद आता है कि मैंने क्या क्या भोगा, क्या क्या झेला, क्या क्या अनलिमिटेड। मतलब कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसा कहती थी मेरे लिए कि यार तेरी लाइफ पे तो पिक्चर बननी चाहिए, मूवी बननी चाहिए तो, और टॉप हो जाएगी। और फिर बोलती थी नहीं, पिक्चर में इतनी सारी स्टोरियाँ नहीं बैठ सकती, तेरी लाइफ सीरियल होना चाहिए। तो मैंने बोला यार कौन देखेगा दुख भरा सीरियल, और मैं खुद ही वो सब कुछ भूलना चाहती हूँ, तो मैं कभी भी उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहती। फिर भी कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती है, इंसान वही सोचने लगता है, बट लिटरली मेरे अंदर वो शायद माँ शक्ति का अंश है, इसीलिए मैं वो एनर्जीज को रिपीट नहीं करती। बट कभी कभी मुझे ज़रूरत के हिसाब से अपने घर वालों को समझाना पड़ता है कि आपने क्या क्या किया है, आप सुधर जाओ या आप हस्बैंड को बताना पड़ता है। जैसे मैं, अगर मेरा कोई लीगल केस चल रहा है तो मुझे वहाँ पे बताना पड़ रहा है कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, और तो ये पेनफुल है, बट कभी कभी ना चाहते हुए इन एनर्जीज को फिर से याद करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो ये हो नहीं सकता कि आप अगर एक डिवाइन फेमिनाइन हो, वो फ्री फ्लोइंग आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही हो,
डीएम का भी ऐसा रहता है कि उसकी लाइफ में 3D की चीज़ें तो होती है सारी, सुंदर वाइफ होती है, सुंदर बच्चे, घर वगैरह, सबको मेहनत से मिलता है उसको ये सब। और बट उसको एक सोल सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, जैसे शक्ति के शिवा सिवा शिव को जो जैसे शव कहा गया है, तो वो उस सर्च में रहता है हमेशा। तो पहले मैं सोचती थी कितना बुरा इंसान है ये, इतनी सुंदर वाइफ को छोड़ के किसको ढूंढ रहा है, ऐसा मुझे लगता था। और बाद में जब मैंने पूरा स्टडी किया डीएम की सोल के हिसाब से, तो मुझे समझ में आया कि रियलिटी क्या है। तो कहने की बात है, मैं और एक बात बताती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपके नसीब में किसी और का साथ लिखा है, तो आपको मिल जाएगा। पर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही खतरनाक है कि वो किसी अदर पार्टनर के साथ रहे। क्यों बताती हूँ आज इसका? ऐसा नहीं है कि मेरे डीएम की वाइफ ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छी है। बट ऐसा नहीं कि मेरा हस्बैंड भी खराब है, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब धोखा ही धोखा दिया उसने। तो डीएम की वाइफ ने तो सब कुछ किया उसके लिए, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है वो खुद भी सोचती है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आम सोल होती है, जैसे इनके ऊपर जो डेविल सोल होती है, बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती है इनको, और उनके थ्रू ये फिर डिवाइन फेमिनाइन हो और डिवाइन मैस्कुलाइन हो, इनसे रिलेशन बना के इनकी वो एनर्जी चूस लेती है, मतलब खींच लेती है। और उस जब ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन फिजिकल कनेक्शन में आ जाते हैं, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। मतलब जैसे डीएम आबाद भी हो गया हो, तो सोल लेवल पे उनका आत्मा जो है वो धीरे धीरे ये खा जाते हैं। अब यहाँ पे तीनों भी बहुत आई थिंक दयनीय है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की वाइफ भी, क्योंकि क्या है, तीनों का भी इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वो उन्हें वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो फाइट है जो डिवाइन सोल्स के बीच में और डेविल सोल्स के बीच में होती है, तो एक्चुअल ये डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे के लिए ही बने रहते हैं, बट जानबूझ के उनके बीच में ये उनको मिलने नहीं दिया जाता। उनके बीच में एक ऐसी लेडी डाली जाती है जो रोक के रखे, और उस लेडी पे इविल सोल का कंट्रोल होता है। जैसे अभी ये कितने भी अच्छे होंगे, डीएम की वाइफ कितनी भी अच्छी होंगी, बट उनसे वही काम कराया जाएगा ये इविल सोल, क्योंकि ये एक नॉर्मल सोल है, उसके अंदर शक्ति का अंश नहीं है। तो वो बहुत ही इविल सोल्स के लिए आसान होता है ऐसी लेडी को, उनके माइंड को, सोल को कंट्रोल हो, चाहे जो कर ले, बट उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। उनके थ्रू ट्विन फ्लेम्स को तकलीफ पहुंचाई जाती है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस करके उनकी आत्मा की जो पवित्रता है वो छीन ली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये तो फिर अगर शिव शंभो का अंश है, तो ये इतना मल्टीपल कनेक्शंस में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनी आत्मा की जो शक्ति है वो गवा चुका है, और उसके मतलब उसके अंदर ये अब स्थिरता सोचने की नहीं है कि मेरी जो सोल है, जो जिसके पार्ट्स छीने गए हैं, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो जैसे ही ये डिवाइन फेमिनाइन को देख लेते हैं, उनको एक एनर्जी मिलती है, तो उसकी वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन चाहे सुंदर भी ना हो, कुछ भी ना हो, इसीलिए क्योंकि सोल को एनर्जी मिल रही है, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू।